खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में इस वीकेंड चल रहा है टिकट टू फिनाले वीक, जहां तबीयत खराब होने की वजह से रूबीना पहले ही बाहर थी और सैटरडे एपिसोड में खराब परफॉर्मेंस की वजह से मोहित मलिक भी बाहर हो चुके थे। बाकी सभी कंटेस्टेंट स्टंट्स करेंगे टिकट टू फिनाले के लिए। संडे एपिसोड की शुरुआत में जन्नत डिक्लेयर करती है वे कोई भी स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगी खराब तबीयत की वजह से। रोहित शेट्टी जन्नत के सारे स्टंट्स के लिए मोहित को प्रॉक्सी बनाते हैं, जहां पहला स्टंट होता है पार्टनर स्टंट, जहां पहली जोड़ी है तुषार और फैजू की, वहीं दूसरी जोड़ी है निशांत और जन्नत की जगह ले रहे मोहित की, वहीं तीसरी जोड़ी है राजीव और कनिका की। इस पार्टनर स्टंट को सबसे पहले परफॉर्म करती है कनिका और राजीव की जोड़ी, जिनके बाद ये स्टंट करते हैं जन्नत की प्रॉक्सी बने मोहित और निशांत, वहीं आखिर में स्टंट को परफॉर्म करती है फैजू और तुषार की जोड़ी, जहां तीनों जोड़ियां इस स्टंट को कंप्लीट करती है। वहीं इस स्टंट में सबसे ज्यादा समय लेने वाली राजीव और कनिका की जोड़ी इस रेस से बाहर हो जाती है, वहीं बाकी दोनों जोड़ियां आपस में टकराएंगी टिकट टू फिनाले के लिए। इस स्टंट को परफॉर्म करेंगी तुषार और फैजू, वहीं मोहित और निशांत की जोड़ी, जहां दोनों ही जोड़ियां इस स्टंट को अच्छे से परफॉर्म करती है। वहीं इस स्टंट को बेहतर परफॉर्म करके तुषार और फैजू की जोड़ी जीत कर जाती है अगले राउंड में, जहां ये दोनों आमने सामने टकराएंगे टिकट टू फिनाले के लिए। इस हाइट वाले स्टंट को पहले परफॉर्म करते हैं तुषार कालिया, वहीं बाद में परफॉर्म करते हैं मिस्टर फैजू, जहां दोनों ही कंटेस्टेंट्स इस स्टंट को पूरा करते हैं। वहीं तुषार से 6 सेकंड पीछे रहकर फैजू ये स्टंट हार जाते हैं और तुषार इस स्टंट को जीत जाते हैं और उन्हें मिलता है टिकट टू फिनाले। जी हाँ व्यूअर्स, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का सबसे पहला टिकट टू फिनाले मिला है तुषार कालिया को, जिसके बाद वे डायरेक्ट पहुंच गए हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में और नेक्स्ट वीक कोई स्टंट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, तुषार के जीतने और फैजू के हारने पे क्या है आपका कहना, प्लीज कमेंट योर व्यूज़।